यह कहानी राजपाल यादव नाम के एक बौने लड़के के ऊपर आधारित है, जो कि अपनी हवस को मिटाने के लिए अपने घर की नौकरानी से लेकर अपनी पड़ोसन तक को पहल देता है और उनको प्रेग्नेंट कर देता है। और इसके बाद राजपाल यादव क्या क्या कारनामे करता है, यह हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है द टिन ड्रम, और यह मूवी 1979 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम आलिया भट्ट नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि खेत में काम कर रही होती है। तभी वहां पर जॉनी लीवर नाम का एक आदमी भागता हुआ उसके पास आता है और पुलिस से छिपने के लिए उसकी मदद मांगता है। तभी आलिया भट्ट अपनी जादुई गुफा खोलकर उसमें जॉनी लीवर को छिपा लेती है, पर जॉनी लीवर भी एक नंबर का हरामी आदमी होता है जो कि आलिया भट्ट को उसकी गुफा में ही गेम बजाना शुरू कर देता है। फिर पुलिस के वहां से जाने के बाद वो दोनों भी वहां से भाग जाते हैं और एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन पुलिस जॉनी लीवर को पकड़ ही लेती है, पर इससे पहले कि वो उसे मार डाले जॉनी लीवर पानी में कूद कर वहां से गायब हो जाता है। अब कुछ लोगों का कहना है कि वो पानी में डूब गया और कुछ का कहना है कि वो भागकर अमेरिका आ गया, जहां पर वो एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर ऐश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आलिया भट्ट और उसकी बेटी ऐश्वर्या बाजार में सामान बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। ऐश्वर्या अपने कजन अभिषेक से प्यार करती थी जो कि एक पुलिस पोस्ट ऑफिस में काम करता था। इसके अलावा ऐश्वर्या सलमान से भी प्यार करती थी जो कि मुंबई में सेफ था। अब इन तीनों के किए हुए कांड की वजह से ऐश्वर्या को राजपाल यादव नाम का एक लड़का होता है जिसका बाप अभिषेक था या सलमान, ये तो सिर्फ भगवान को ही पता था। पर पैदा होने के बाद राजपाल यादव चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन जब उसकी माँ ने उससे कहा कि 3 साल की उम्र होने के बाद वो उसे 3 ड्रम देगी, तब जाकर राजपाल यादव रोना बंद करता है। फिर 3 साल का होने के बाद जब राजपाल यादव ने अपने बर्थडे पार्टी में लोगों को शराब पीते हुए और नंगा नाच करते हुए देखा, तो उसने डिसाइड किया कि वो कभी भी बड़ा नहीं होगा और वो अपने इसी महान काम को पूरा करने के लिए सीढ़ियों से कूदकर नीचे गिर जाता है। और अब इसके बाद राजपाल यादव हमेशा के लिए 3 साल का ही रह जाता है। राजपाल यादव कभी भी अपने टूटे हुए ड्रम को खुद से अलग नहीं करता। अगर जब कोई भी उसे ड्रम छीनने की कोशिश करता है तो राजपाल यादव इतना जोर से चिल्लाता है कि वो अपनी आवाज से कांच को भी तोड़ देता है। अब टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि राजपाल यादव अब 6 साल का हो गया था, पर ना तो अब वो बड़ा हो रहा था और ना ही वो अपने टूटे हुए ड्रम से अलग हो रहा था। और जब कोई उससे वो ड्रम छीनने की कोशिश करता है तो राजपाल यादव अपनी आवाज से कांच को तोड़ देता है। अब राजपाल यादव की इस पावर को देखकर डॉक्टर्स भी हैरान थे, लेकिन उसके परिवार को सिर्फ यह जानना था कि राजपाल यादव बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐश्वर्या हर गुरुवार को राजपाल यादव के साथ शहर जाया करती थी और काम के बहाने वो राजपाल यादव को एक दुकान पर छोड़कर अभिषेक के पास जाकर उसके साथ टपाटप किया करती थी। पर एक दिन राजपाल यादव को अपनी माँ की इस चढ़ती जवानी के बारे में पता चल जाता है। अब कुछ और साल बीत जाते हैं और राजपाल यादव अब 12 साल का हो चुका था। फिर एक दिन राजपाल यादव अपने मॉम डैड के साथ एक सर्कस देखने के लिए जाता है, जहाँ पर कुछ बोने लोगों को परफॉर्म करता देखकर राजपाल के मॉम डैड को लगता है कि शायद राजपाल भी बोना है। फिर सर्कस खत्म होने के बाद राजपाल एक ब्रह्मानंद नाम के एक बोने से मिलता है, जो कि राजपाल के इस टैलेंट को देखने के बाद राजपाल को अपने सर्कस में काम करने के लिए बोलता है। पर तभी वहां पर राजपाल के मॉम डैड आते हैं और वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ऐश्वर्या जिस दुकानदार के पास राजपाल को छोड़कर जाया करती थी, अब वो दुकानदार ऐश्वर्या से प्यार करने लगा था। वो उसे और राजपाल को अपने साथ लंदन चलने के लिए बोलता है, पर तभी ऐश्वर्या उसे मना कर देती है और उसे चूतिया बोलकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद ऐश्वर्या को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में अभिषेक का बच्चा है। अब इस बात से ऐश्वर्या काफी परेशान रहने लगती है और इस परेशानी में वो मछलियां खाती है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या के पति सलमान को इस बात से कोई भी मतलब नहीं था कि उसके पेट में किसका बच्चा है, वो तो सिर्फ ऐश्वर्या को खुश देखना चाहता था। पर क्योंकि राजपाल यादव के पैदा होने के बाद ऐश्वर्या को कभी भी खुशी नहीं मिली, इसलिए वो उस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती थी और ज्यादा मछलियाँ खाने के बाद फूड पॉइजन से उसकी डेथ हो जाती है।
अब इसके कुछ सालों बाद हम राजपाल यादव को देखते हैं, जो कि अपना ड्रम ठीक करवाने के लिए अभिषेक को एक पुलिस पोस्ट ऑफिस लेकर जाता है। ये वो दौर चल रहा था जब मुंबई पर दिल्ली हमला कर रहा था। वहीं पोस्ट ऑफिस में पुलिस लोग मुंबई पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी मुंबई उन पर हमला कर देता है और इस हमले में बाकी लोगों के साथ साथ अभिषेक भी मारा जाता है। पर राजपाल यादव किसी तरह बच गया और वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो दुकानदार 16 साल की एक लड़की जिसका नाम सनी लियोनी होता है, उसको अपनी दुकान पर काम करने के लिए रखता है। सनी लियोनी दुकान के साथ साथ राजपाल यादव का भी ध्यान रखती है। और फिर कुछ दिनों के बाद राजपाल को सनी लियोनी से प्यार होने लगा था। राजपाल यादव भी सनी लियोनी की जितनी उम्र का ही था, पर सनी लियोनी को इस बात पर यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि वो अभी बच्चा ही है। फिर एक दिन जब दुकानदार किसी काम से शहर से बाहर जाता है, तो राजपाल अपने अंदर की बढ़ती हुई हवस को रोक नहीं पाता और सनी लियोनी के कंबल में घुस जाता है और उसके साथ टपाटप मचाना शुरू कर देता है। अब सनी लियोन को भी इसमें मजा आ रहा था, इसलिए वो राजपाल को नहीं रोकती। अब धीरे धीरे राजपाल सनी लियोन के और भी करीब आने लगा और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि सनी लियोन का सलमान के साथ अफेयर चल रहा है। सनी लियोन सलमान से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सलमान सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। अब इस बात से भी सनी लियोन काफी ज्यादा दुखी होती है और वो रोने लगती है। और फिर जब राजपाल यादव उसे संभालने के लिए उसके पास आता है, तो सनी लियोन उसे बोना बोलकर उसके पिछवाड़े में लात मार देती है। अब कुछ महीनों के बाद हम देखते हैं कि सनी लियोन सलमान के बच्चे की माँ बनने वाली थी और राजपाल यादव उस बच्चे को मारना चाहता था, पर सनी लियोन ऐसा होने नहीं देती। और कुछ दिनों के बाद सनी लियोन एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे पाकर सभी लोग खुश थे, लेकिन राजपाल इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि यह बच्चा उसका है। दूसरी तरफ हम राजपाल के दोस्त ब्रह्मानंद को देखते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान रेड आर्मी में एक बड़ी पोस्ट पर काम करता था। फिर उसने राजपाल को भी अपने साथ शामिल होने के लिए कहा, जो कि जयपुर में एक परफॉर्मेंस करने वाले हैं। अब राजपाल उनके साथ मिलकर सभी को अपना टैलेंट दिखाने लगता है और इसके साथ उसे टीम की एक लड़की जैकलिन के साथ प्यार हो जाता है। अब टाइम बीतता जाता है और हम देखते हैं कि राजपाल अपने बोने दोस्तों के साथ खुश था और वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा था, जैसे खाना पीना और पाठक करना। पर फिर एक दिन चीनी सेना वहां पर हमला कर देती है और इस हमले में राजपाल की आइटम जैकलिन मारी जाती है। और अब इस हादसे के बाद राजपाल वापस अपने घर पर आ जाता है और वो सनी लियोन के 3 साल के बेटे को एक वैसा ही टिन ड्रम गिफ्ट करता है, जो कि उसकी 3 साल की उम्र में उसकी माँ ने उसे दिया था। अब सनी लियोन राजपाल यादव के आने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन सलमान इस बात से बहुत खुश था और उसने राजपाल यादव को उन लोगों से छुपा कर रखा जो उसे उसके इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहते थे, क्योंकि सलमान को ऐसा नहीं लगता था कि राजपाल यादव नॉर्मल नहीं है। अब शहर में जैसे जैसे तनाव का माहौल बढ़ रहा था, तो सलमान को भी डर के मारे राजपाल यादव और अपनी एक पड़ोसी काजल को अपने घर के बेसमेंट में छुपा कर रखना पड़ता है। इसके साथ ही सलमान को अपना रेड सिपाही होने का सबूत भी छिपा कर रखना पड़ता था। फिर एक दिन ब्लू सिपाही अचानक सलमान के घर में घुस जाते हैं और सलमान के सामने ही काजल के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वहीं सलमान की रेड सिपाही होने की सच्चाई छिपाने के लिए राजपाल यादव उसे एक पिन देता है, जिस पर रेड सिपाही होने के बारे में लिखा हुआ था। पर तभी सलमान उससे बचने के लिए उस पिन को निगल लेता है और वो पिन उसके गले में अटकने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सलमान को दफना देती है, क्योंकि उसने रिसेंटली अपनी पत्नी को खोया था और वो अपनों को खोने का दर्द अच्छे से समझता था। अब सलमान के फ्यूनरल पर राजपाल को समझ आ जाता है कि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए अब राजपाल डिसाइड करता है कि अब वो भी बड़ा होगा। फिर राजपाल यादव अपने ड्रम को भी सलमान के साथ ही दफना देता है, पर तभी कहीं से एक पत्थर आकर राजपाल के सिर पर लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वहां पर मौजूद एक आदमी बताता है कि अब राजपाल यादव बड़ा होने लगा है। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि आलिया भट्ट को छोड़कर सभी लोग शहर से बाहर चले गए हैं।
जहां अब राजपाल यादव को पता चलता है कि उसकी चिल्लाने की शक्ति भी जा चुकी है।